नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज जानकारी मिली है कि अमित शाह जी और बीजेपी दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं। वो एमसीडी के जरिए जहांगीरपुरी में, जहां हाल ही में दो दिन पहले दंगा हुआ, वहां पर वो इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर लोगों के मकान गिराना चाहते हैं। रमजान का महीना है और पूरे हिंदुस्तान का इस वक्त माहौल पूरी तरह से बिगाड़ा भी गया और ज्यादा उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीते शनिवार हनुमान जयंती के मौके पर हुए उपद्रव के मामले में अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। मामले के बाद बीजेपी ने जहांगीरपुरी में हिंसा में लिप्त अपराधियों के द्वारा कराए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी, जिसके बाद अब भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी NDMC ने जहांगीरपुरी में बुधवार और बृहस्पतिवार को दो दिवसीय अतिक्रमण रोधी अभियान चलाने का फैसला किया है। NDMC ने अभियान के संबंध में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस से कम 400 कर्मियों की तैनाती करने को कहा है। NDMC ने उत्तर पश्चिमी पुलिस उपायुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि एक विशेष संयुक्त अतिक्रमण रोधी कार्यक्रम जहांगीरपुरी में निर्धारित है। NDMC सिविल लाइन जोन के सहायक उपायुक्त ने DCP को लिखे पत्र में कहा कि पुलिस से 20 अप्रैल या 21 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महिला पुलिस बल एवं बाहरी बल सहित कम से कम 400 पुलिस कर्मियों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इसे लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर को पत्र भी लिखा था। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा कि इन उपद्रवियों की ओर से स्थानीय विधायक और निगम पार्षद के संरक्षण में अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया हुआ है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर को पत्र लिखकर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को चिन्हित करने की मांग की थी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।